पित्त कफ के क्या गुण होते हैं, शरीर में वात पित्त कफ के क्या कर्म होते हैं, और प्रकृति एनालिसिस के बारे में समझेंगे, प्रकृति क्या होती है और कैसे समझा जाए कि कौन व्यक्ति वातस प्रकृति का है, कौन व्यक्ति पित्तस प्रकृति का है और कौन कफस प्रकृति का है। शरीर का जब निर्माण हुआ तो उसके बारे में आचार्य ने एक श्लोक कहा, खाद्य चेतना षष्ठ धातु इति पुरुषः, ख आदि पंच महाभूत और चेतना, ये षट धातु पुरुष मिलके चिकित्सीय पुरुष बनता है। चिकित्सीय पुरुष मतलब जिसकी हम चिकित्सा करते हैं। तो ख आदि पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और उसके साथ एक चेतना तत्व मिलता है, और ये छह तत्व मिलकर के चिकित्सीय पुरुष का निर्माण करते हैं, जिसकी आयुर्वेद में चिकित्सा का प्रयोजन कहा गया। अब ये जो चिकित्सीय पुरुष है, ये इसके बारे में आचार्य ने एक श्लोक कहा है, दोष धातु मला मूलम ही सदा देहस्य, दोष धातु और मल, ये तीन चीजें मिलकर के शरीर का निर्माण करती है। दोष में आते हैं त्रिदोष, वातज पित्तज कफज त्रिदोष, जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। फिर सप्त धातुएं आती हैं, रस रक्त मांस मेल अस्थि अस्थि मज्जा शुक्र, और फिर मल, मूत्र पुरुष श्वेत आदि। तो त्रिदोष में वात पित्त कफ, वात मतलब क्या समझते हैं आप लोग, वायु। वायु मतलब जो एयर एलिमेंट होता है बॉडी का, उसको हम वात दोष कहते हैं। तो हवा, हवा के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, हवा को ना किसी ने देखा है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसके गुणों का वर्णन करते हुए आचार्य ने लिखा है, तत्र रुक्ष लघु शीतल खर सूक्ष्म चलो अगिल, ये संस्कृत में श्लोक, इसका हिंदी उच्चारण इस प्रकार है, वात के गुण में रुक्षता होती है, वायु जो होता है रूखापन लिए होते हैं स्वभाव में, लघु होता है, लाइट होता है वेट में, शीत होता है, वात दोष जो होता है वो ठंडा होता है, शीत होता है, कोल्ड होता है नेचर में, खरता लिए होता है, खर मतलब रफनेस। तो रुक्ष शीत लघु खर सूक्ष्म चलो अनिल, सूक्ष्म होता है वायु, एक ऐसा दोष है जो तीन त्रिदोष में केवल एक ही ऐसा दोष है वायु दोष, जो गति करता है, गतिशील है। सभी दोषों को एक जगह से दूसरी जगह, धातुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य वात दोष ही करता है, और ये बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में भी प्रवेश कर जाता है। चल होता है, ये वात के छह गुण आचार्य ने कहे हैं। वात के गुण आपको समझ में आए, तो वात कैसा होता है, रुक्ष होता है, स्वभाव से ड्राई होता है नेचर का, लाइट वेट होता है, रफनेस ये होता है, कोल्ड होता है। अब आप जब किसी वात प्रकृति के व्यक्ति को देखेंगे तो कैसा दिखेगा वात प्रकृति का व्यक्ति, आप उसको जब ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो वात प्रकृति व्यक्ति का जो काठिन्य होता है वो मतलब सूक्ष्म काठिन्य होता है, उनकी जो स्किन रहती है वो बहुत ड्राई रहती है ना। आप अब स्किन ड्राई होती कैसे पता चलेगा, आप जब स्किन पे इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, आप अपनी स्किन पे करके देखें, जब आप इस तरह से स्किन को पूरे देंगे तो एक वाइट लाइन, अभी तो खैर पसीना आ रहा है सब कुछ नहीं होगा, पर जब आप अपनी स्किन को देखेंगे नहाने के बाद में पूरा उसको पोंछ करके सूखा करके शरीर को, जब आप स्किन पे एक लाइन खींचेंगे तो एक लाइन दिखेगी आपको रुखी हुई अलग से, वो ड्राइनेस होती है बॉडी में, ठीक है ना। हाथों में ड्राइनेस लगेगी आपको, मुंह जल्दी जल्दी सूखेगा आपका, तो ये रुक्षता होती है। तो इसी तरह से वात दोष के बारे में जब देखेंगे तो वो खर होता है, सूक्ष्म होता है और गतिशील होता है। त्रिदोष में वात पित्त कफ, तीन दोष में केवल वात ही ऐसा दोष है जो गतिशील है, बाकी सभी दोष पंगु होते हैं। पित्त और कफ दोष गति नहीं कर सकते, गति उनको जो गति प्रदान करता है वो वात दोष गति प्रदान करता है। इसके बाद में जब हम पित्त के बारे में चर्चा करें तो पित्त के गुण के बारे में आचार्य ने कहा है, पित्तम स स्नेहम तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरंध्रम। पित्त दोष जो होता है वो वात की अपेक्षा स्निग्ध होता है, जैसे वात रुक्ष है
तो पित्त दोष जो है उसकी अपेक्षा स्निग्ध रहेगा, तीक्ष्ण रहेगा, उष्ण रहेगा। आप पित्त प्रकृति व्यक्ति को कभी भी देखेंगे तो उनके बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है। बात प्रकृति के व्यक्ति के जो लोग होते हैं, जब मैं आपको गुणों को समझा रही तो उनको समझते हुए आप इमेजिन करने की कोशिश करें, कल्पना करिए कि बात प्रकृति का व्यक्ति कैसा दिखता होगा। बात प्रकृति बात के गुणों में बताए शीतता, तो बात प्रकृति के व्यक्ति को जब आप देखेंगे तो उनके जो हाथ पैर होते हैं वो काफ़ी ठंडे होते हैं, उनकी जो एक्सट्रीमिटीज होती है हाथ पैर हथेली तक वो काफ़ी ठंडे रहते हैं। पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव से ही ताप जो है बड़ा हुआ रहता है। जनरली हमने देखा कि फीवर आता है जब टेम्परेचर बड़ा हो जाता है, पर अगर हम दो लोगों में तुलना करेंगे तो अगर एक व्यक्ति वात का है और एक व्यक्ति पित्त प्रकृति का है, तो पित्त प्रकृति व्यक्ति का जो ताप रहेगा शरीर का वो सामान्य से थोड़ा अधिक रहता है। जैसे आप देख रहे हैं मुझे पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि मैं भी पित्त प्रकृति हूँ। तो पित्त प्रकृति व्यक्ति जो होता है उसको पसीना काफ़ी आता है, ठीक है ना, क्योंकि ऊष्मा रहती है शरीर में। पित्त दोष भी लघु होता है, विस्तृत होता है, फैलने वाला होता है, सर गति होती है इसकी वायु से, मतलब सर गति मतलब आपने कहीं भी कोई गाड़ी चीज या जैसे मान लीजिए कहीं तेल ढुल गया तो तेल की गति किस प्रकार होगी वो पित्त की गति होती है, और अगर कहीं पानी ढीला है तो पानी की गति कितनी तेज होगी वो बात की जैसी होती है ना। इस तरह से समझने का आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। इसके बाद इसमें कफ दोष आता है। कफ के गुण में आचार्य ने बोला है स्निग्ध शीतो गुरुर मंदश लक्षणो मत्सन स्थिर कफा। सबसे अच्छा दोष कफ दोष होता है। कफ प्रकृति के व्यक्ति को बहुत उत्तम बोला जाता है, स्निग्ध होता है उनकी त्वचा में। आप जब दूर से देखेंगे तो आपको स्निग्धता दिखेगी, बहुत सॉफ्ट होती है उनकी स्किन। वात प्रकृति के व्यक्ति की स्किन जो होती है वो ड्राई रहती है, कफ प्रकृति के व्यक्ति की जो स्किन होगी वो बहुत सॉफ्ट होगी, और पित्त की स्किन मध्यम वर्गीय आपको दिखेगी। कफ दोष भी शीत प्रधान होता है। देखा भी हमने जब हमको बहुत कोल्ड लग जाती है तो कफ कोल्ड हो जाता है, जुकाम लग जाए, ठंडी हवा ज़्यादा लग जाए, या आप ज़्यादा आइसक्रीम खा लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेंगे तो हमको कफ बढ़ जाता है। वो जो कफ बढ़ता है वो विकृत कफ होता है, उसकी चिकित्सा होना अनिवार्य है। पर शरीर में जो स्वाभाविक कफ होता है उसके अलग अलग गुणकर्म होते हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो कफ जो होता है सबसे ज़्यादा गुरु तल ये होता है, ये दोष हैवी होता है नेचर में, ठीक है ना, मंद होता है। जब हम बोलते हैं ना किसी को कि आप भाई आप हैवी डाइट मत लीजिए, आप लाइट फूड लीजिए, लाइट डाइट लीजिए, तो हैवी डाइट लेने लीजिए उनके शरीर में कफ को बढ़ा देगा, ठीक है। ये बहुत मंद गति करने वाला होता है, ठीक है। गति के बारे में कैसे समझाएं आपको, जैसे कि एक गति खरगोश की होती है, एक कछुए की होती है, और एक स्नेल की होती है। वो एकदम धीरे धीरे रेंगता है, कफ इस प्रकार से गति करने वाला होता है, मंद गति। श्लक्षण मृत्सन, जब आप कफ दोष को स्पर्श करेंगे तो वो बहुत चिकना होता है, बहुत मृत्सन होता है, सॉफ्ट होता है बहुत। और कफ दोष जो होता है वो स्थिर होता है। बात प्रकृति का व्यक्ति, अब देखिए प्रकृति एनालिसिस जो किया जाता है वो व्यक्ति की अग्नि को देख करके किया जाता है, उसकी जीवन शैली को देख के किया जाता है, उसकी कार्यप्रणाली को देख करके किसी भी व्यक्ति का प्रकृति एनालिसिस किया जाता है। सबसे पहले तो प्रकृति क्या होती है ये समझ लिया। प्रकृति स्वाभाविक प्रकृति जो होती है व्यक्ति की वो उसके फिंगरप्रिंट की तरह होती है, जन्म जात होती है। जब बच्चा पैदा होता है उस समय पर उसकी जो प्रकृति बन जाती है, माँ के गर्भ में उसकी जो प्रकृति बन जाती है वही प्रकृति उसकी आजीवन रहती है। ये स्वाभाविक प्रकृति होती है और स्वाभाविक प्रकृति को कभी भी बदला नहीं जा सकता। प्रकृति के बारे में सात प्रकार की प्रकृति आयुर्वेद में बताई गई है, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति। ये तो तीन दोष अनुसार हुए, और दो दो दोष मिलकर के भी द्वंद्वज प्रकृति बोली गई। तो कैसे, वातपित्त, वात कफ, पित्त कफ, इस प्रकार से द्वंद्वज प्रकृति बोली गई है। और एक त्रिदोष प्रकृति बोली गई जो कि वात पित्त कफ तीनों दोषों को मिलाकर के होती है। वातज प्रकृति मतलब उस व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से वात दोष अधिक बढ़ा हुआ होगा। पित्तज मतलब स्वाभाविक रूप से जन्मजात से पित्त दोष अधिक बढ़ा होगा।
कफल में इसी प्रकार से कफ दोष अधिक बड़ा होगा। इस प्रकार की पर प्रकृतियाँ सामान्यतः हमको देखने को नहीं मिलती, एकल प्रकृति हमको नहीं देखने को मिलती। जब भी हम किसी व्यक्ति का प्रकृति एनालिसिस करते हैं तो अब जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, जिस प्रकार से अब हमारा डाइटरी हैबिट्स, जो खान पान की हमारी आदतें हो चुकी हैं, तो अमूमन हमको जब भी किसी व्यक्ति का प्रकृति एनालिसिस करते हैं तो हमको द्वंद्वज प्रकृति देखने को मिलती है। द्वंद्वज प्रकृति क्या होती है? दो दोष के मिलने से जो प्रकृति बनती है, एक तो एक दोष वात पित्त कफ, और दो दोष को मिलने से जो प्रकृति बनती है, वात पित्त कफज और एक वात कफज, ये द्वंद्वज प्रकृति होती है। और एक होती है त्रिदोष या संधिपात, तो त्रिदोष में तीनों दोष समान रूप से उपस्थित रहते हैं, तो वो त्रिदोष प्रकृति होती है। और सबसे हीन बोला गया त्रिदोष प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसको सबसे ज्यादा रोग पकड़ते हैं। आपको किस प्रकार की व्याधि है इससे भी आप काफी हद तक एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे वात प्रकृति का अगर व्यक्ति होगा तो जिसका वात बड़ा हुआ है स्वभाव से ही, उस व्यक्ति का वात जल्दी बढ़ता है अदर व्यक्ति किसी और व्यक्ति की तुलना में। स्वाभाविक रूप से जिस व्यक्ति का वात दोष बढ़ा हुआ है, उसका वात दोष अगर वो वातज आहार विहार का सेवन करे, आहार विहार मतलब वात को बढ़ाने वाला आप डाइट ले रहे हैं, आपकी जो डे टू डे रिज्यूम है, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको वात को बढ़ाने वाली अगर आपकी एक्टिविटीज ज़्यादा है तो आपको वात रोग जल्दी पकड़ेगी। इसी प्रकार से पित्तज व्यक्ति है, अगर वो पित्तज आहार का सेवन करे, ऐसे आहार का सेवन करे जो शरीर में पित्त दोष को बढ़ाते हैं, तो उनको पित्तज रोग जल्दी पकड़ेगी। ऐसे ही कफज रोग भी होगा उसको, बोलते ना किसी किसी को हमने सुना है भाई इसको तो कोल्ड कफ बहुत जल्दी हो जाता है, हमको तो गैस्ट्रिक की समस्या बनी ही रहती है। तो आप जब उसके मूल में जाएंगे, जब प्रकृति एनालिसिस करेंगे, तो हमको समझ में आता है कि ये जो गैस्ट्रिक ट्रबल बना हुआ है या ये जो कोल्ड कफ बना हुआ है, ये उस व्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति होने के कारण बना हुआ है या ये लाइफस्टाइल के कारण बना हुआ है। लाइफस्टाइल के कारण बना हुआ था तो फिर उसमें हम चेंजेस करने को बताते हैं कि भाई आज कल आपने आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाई थी तो आप आगे से आइसक्रीम मत खाना, तो कोल्ड नहीं होगा। पर कोई कफज व्यक्ति वो अगर धूप में से आकर के थोड़ा सा पानी अगर ठंडा अधिक पी ले तो उसको कफ पकड़ लेगा। तो ये इस तरह से जब आप पेशेंट आपके पास आता है तो आप इस चीज़ों को एनालिसिस करते हो। पेशेंट जो आपको कंप्लेंट बताते हैं, आप डॉक्टर आपसे पूछते हैं भाई हमेशा कोल्ड कफ बना रहता है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं तो कल हम बाहर गए थे आइसक्रीम ज़्यादा खा ली तो कम कम हो, तो वहाँ से आपको समझना होता है ये विकृत कफ है, उसकी चिकित्सा उस अनुसार करनी है। तो इस प्रकार से वात पित्त कफ के हमने गुण पढ़े। अच्छा, वातज व्यक्ति जो रहता है वो बहुत चंचल होता है, उनकी जो मानसिक स्थिति रहती है वो बहुत चंचल रहती है, वो बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाएंगे, इरिटेट बहुत जल्दी होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होते हैं, हमेशा प्रलाप करने वाले होते हैं। कोई भी काम आप उनको दोगे वो यही बोलेंगे सबसे पहले मेरे से तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता, नेगेटिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। पित्तज प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनका सब मध्यम रहता है, आक्रामक पर उनका स्वभाव रहता है, क्योंकि पित्त उष्ण है स्वभाव से, पित्त के गुण में आचार्य ने कहा वो उष्ण होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्रोध बहुत अधिक आता है। पित्तज प्रकृति का व्यक्ति भी, वातज प्रकृति के लोग चिड़चिड़े ज्यादा रहेंगे, पर पित्तज प्रकृति का जो भी व्यक्ति होगा वो क्रोधी होगा स्वभाव से, उसको क्रोध बहुत ज्यादा होगा। ऐसे कफ प्रकृति का व्यक्ति होगा उसको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, एकदम शांत स्थिर चित्त धैर्यवान इस प्रकार से रहेंगे। वात प्रकृति का व्यक्ति अधीर रहेगा, उनको पेशेंस नहीं रहता। आप लोगों में भी इतने सारे आप लोग हैं यहाँ पे ग्रुप्स होंगे, आपस में भी आप एक लोग आप एक दूसरे को देखेंगे तो समझ जाएगा अरे भाई इसको तो शांति नहीं है थोड़ी भी, तो वो आप समझिए कि वो वात दोष के कारण है, उनके मन की चंचलता बहुत अधिक है, इसलिए वो किसी भी निर्णय को बस कुछ करना तो बस हड़बड़ी में कर देंगे। पित्त प्रकृति का व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा धैर्यवान होता है, पर कफ प्रकृति का व्यक्ति एकदम शांत से सोच समझ के दृढ़ निश्चय करके धैर्यपूर्वक जो है डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो कब प्रकृति होते हैं। हाँ चलो इसको अभी समझते हैं, देखते हैं आगे इसमें निर्णय लेंगे, ये बात कब प्रकृति का व्यक्ति करते हैं। बात प्रकृति का व्यक्ति किसी से चर्चा नहीं करेगा, वो बस काम को एग्जीक्यूट कर देगा,
पित्त प्रकृति का तो एक्चुअली एक दो लोगों से पूछ लेते क्या अच्छा ठीक है हाँ हंड्रेड कर देते हैं। तो कफ प्रकृति व्यक्ति होगा नहीं, इसके लिए हमको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, इस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इतने इतने लोगों की हमको हेल्प मिली, ये कफ प्रकृति का व्यक्ति करेगा। तो इस प्रकार से दोष अनुसार मानसिक लक्षण भी आपको देखने को मिलते। सबसे पहले जब आप प्रकृति एनालिसिस करते हो तो आप व्यक्ति को देखते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? अगर हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या दिखेगा? सबसे पहले हमको उसका कद काठी दिखता है ना। बात प्रकृति व्यक्ति का जो कद काठी रहेगा कम रहेगा, पित्त प्रकृति व्यक्ति का कद काठी मध्यम वर्ग का रहता है, और कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो स्थूल का ही होते हैं, उनके जो जोड़ रहते हैं। देखिए आप अपने आप में आपस में एक दूसरे को देखेंगे थोड़ा आसपास नज़र घुमा करके तो किसी के जोड़ बहुत स्थूल रहेंगे, जॉइंट्स बड़े स्थूल रहते हैं, बोलते ना कि उनका तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी चौड़ा है ना, तो जॉइंट्स जो है संधियाँ जो रहती हैं वो बहुत स्थूल रहती हैं, शरीर स्थूल रहता है ना, क्योंकि कफ प्रकृति के लोग आलसी भी बहुत होते हैं तो वो मुख्यतः आराम करना पसंद करेंगे। जल प्रेमी होते हैं तो उनको आप किसी भी नदी तालाब में उनको छोड़ दो वो बड़ा वहाँ पे आनंद करेंगे, तो ये कफ प्रकृति होती है। पित्त प्रकृति के लोग मध्यम कदकाठी के होते हैं, बहुत उनकी जो जोड़ होते हैं संधियाँ जो होती हैं बहुत स्थूल नहीं होती पर बहुत सूक्ष्म भी नहीं होती, ऐसा भी नहीं दिखता है कि अरे बहुत दुबला पतला सा व्यक्ति। और बात प्रकृति व्यक्ति जो होगा वो बहुत लीन एंड थिन होगा, एकदम दुबला पतला, वो कुछ भी कर ले। आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे जो बोलते होंगे भाई इसको कितना ही खिला दो इसका वजन बढ़ता ही नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? वो वात दोष की कारण, क्योंकि उनका स्वभाव से वात दोष बड़ा हुआ है। तो वात प्रकृति के व्यक्ति का जो शारीरिक संगठन होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है पित्त और कफ दोष। इसी प्रकार से उनकी अग्नि होती है। अच्छा पहले हमने उनकी कद काठी देखी वात पित्त कफ पुरुषों को, अब हम सबसे अब उसके बाद हमारी नज़र सबसे पहले मुखमंडल पे जाती है, चेहरे पे जाती है ना, और चेहरे पे हम उनके आँखों पे नज़र जाती है और केश पे नज़र जाती है। तो बात प्रकृति के जो व्यक्ति होंगे उनके केश कैसे रहेंगे? आपने गुण का आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करिए बताने का कैसे रहेंगे। हाँ उनके जो हेयर्स रहेंगे वो ड्राई रहेंगे, रफ रहेंगे। बात प्रकृति के व्यक्ति का बोलेगा जैसे ही सिर धो के निकले बाल सूखे, बोले मेरे बाल तो एकदम ड्राई रहते हैं, पूरे पूरा ड्राइनेस रहती है, तो वो बात के कारण रहती है। पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति रहते हैं उनके उनको ग्रेइंग ऑफ हेयर्स ज़्यादा रहते हैं, ग्रेइंग मतलब बाल उनके जल्दी पकते हैं, सफ़ेद बाल ज़्यादा नहीं मिलते। जब आप नोटिस करेंगे तो पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसके सफ़ेद बाल ज़्यादा होते हैं, वो पित्त दोष के कारण होते हैं। इसी प्रकार कफज प्रकृति के व्यक्ति के बाल कैसे दिखेंगे अब आप बताइए। काले घने लंबे बाल कफ प्रकृति के। आप लोग हैं ना यहाँ पर इतने सारे, आपस में एक दूसरे के केश देखे तो आपको समझ में आएगा किसी व्यक्ति के अगर बहुत काले हैं बाल जिन्होंने डाई नहीं करिए और गहरे हैं तो आप समझ जाइए ये जो है इनके बाल जो है ये कफ दोष वाले, यहाँ पे कफ प्रधान है। फिर आप उनके नेत्र भी देखेंगे तो एक किसी आप जब दृष्टि जब हमारी किसी पर पड़ती है, जब हम पहली बार किसी को एकदम देखते हैं और नेत्र अगर उस व्यक्ति के हम देखते हैं तो हमको दिखता है किसी किसी के जो नेत्र होते हैं बहुत स्निग्ध होते हैं, मतलब एक अलग सा लश्कर होता है कफ प्रकृति व्यक्ति के नेत्रों में। और बात प्रकृति व्यक्ति के जो नेत्र रहेंगे वो लश्कर लेस रहते हैं, ड्राई रहते हैं वो आईज, उनको ड्राई आईज की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। ड्राई आईज समझते ना, हाँ। और पित्त प्रकृति के व्यक्ति के नेत्र आप देखेंगे वो लालिमा लिए होते हैं या पीलापन लिए होते हैं, आँखों में वो थोड़ी भी गर्मी अगर बढ़ेगी तो वो शिकायत करेंगे आंखों में जलन होती है। लालिमा और पीतता जहाँ होती है वहाँ पित्त दोष होता है। वात दोष के बारे में आचार्य ने ऐसा बोला है कि जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ वात दोष, ऐसा समझ लीजिए।
और जहां जहां उष्मा है शरीर में वहां वहां पितृ दोष है, ये समझ लीजिए। और जहां जहां बंधन हो रहा है, जहां जहां चिकनापन है शरीर में, वहां समझ लीजिए कब दोष है। ये एक सिंपल सा आचरण, बस पूरा वात पित्त कब का विवेचन किया, अंत में जाकर के ये बोल दिया। नेत्र के बाद अब हमको सबसे पहले क्या दिखती है, सामने वाले की स्किन दिखती है। जब मैंने, आप पहली बार किसी को देखेंगे तो आप सबसे पहले कदकाठी पे गए, आपने उनके बाल, नेत्र और फिर स्किन पे हमारी जाती है नज़र सबसे पहले। तो हमें ये समझ में आता है कि बात प्रकृति का जो व्यक्ति होगा उसकी जो स्किन होगी वो कृष्ण वर्ण की होगी और रुक्षता तो होगी ही वातदोष के कारण, रफ होगी स्किन, स्किन ज़्यादा फटेगी। पर कफ प्रकृति के व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो वो बड़े सुंदर से दिखते हैं। ये इनकी प्रकृति एनालिसिस में ही आता है कि कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं वो बड़े सुंदर होते हैं, कफ और पित्त प्रकृति के लोग। उनकी जो स्किन होती है उसमें एक अलग सा लश्चर होता है, एक अलग सी शाइन होती है। और पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनकी स्किन मध्यम वर्ग की होती है, जो सॉफ्टनेस होती है वो भी मध्यम मीडियम होती है। उसके बाद अब हम किसी को देखेंगे तो हमारी दृष्टि में क्या आएगा सबसे पहले, फिर बातचीत होती है तो सामने वाले के दांत पे भी नजर जाती है ना। वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके दांत बड़े अनियमित होते हैं, दांतों में किसी में गैप ज्यादा है, किसी में कम है, दांत ऊपर नीचे हैं, थोड़ा सा कृष्ण वर्ण लिए होते हैं। तो ऐसे जो दांत होते हैं वो वात प्रकृति व्यक्ति के होते हैं। वो हंसेंगे तो उनके दांतों में आपको गैप दिख जाएगा या दांत जो है वो ऊपर नीचे दिख जाएंगे। पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उस हो सकता है उसकी बत्ती बत्तीसी जो रहे वो एकदम 32 के 32 दांत एक साथ एक जैसे जमे हुए, पर उनके दांतों में पित्त की वजह से पीलापन रहेगा। पित्त प्रकृति व्यक्ति के दांत हमेशा क्रीमिश होते हैं या पीले होते हैं, उनके दांत कभी भी सफ़ेद नहीं होते। और ऐसे कफ प्रकृति व्यक्ति अगर होगा तो सबसे सुंदर 32 ही उनकी होती है। हंसेंगे तो मन करेगा हाँ हंसते थे, एकदम सुंदर से दांत होंगे मोती जैसे उनके, सफ़ेद सफ़ेद स्निग्ध एकदम। तो आप अगर कोई आपके सामने बैठ के हंस रहा है और उसने डेंटल इम्प्लांटेशन नहीं करवा रखा है तो आप ये समझ जाइएगा कि उसकी 32 ही बहुत सुंदर रहती थी, वो भाई कफ प्रकृति है। ठीक है, इसके बाद में अग्नि का विवेचन आता है। अग्नि के विवेचन में ये रहता है कि वात प्रकृति व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत थोड़ा खाते हैं, बहुत जल्दी उनका पेट भर जाता है। पित्त प्रकृति व्यक्ति जो होता है उसकी अग्नि बहुत तीक्ष्ण होती है, तो उनको बहुत जल्दी बहुत बार बार भूख लगती है। उनकी अग्नि जो तीक्ष्ण स्वभाव की होती है, ऐसा समझिए जैसे चूल्हा है, चूल्हे में अब चूल्हा तो आप जानते हैं चूल्हा है ना, तो चूल्हे में जब हम लकड़ी लगाते हैं और आग उसमें जलती है तो एक तो चूल्हा होता है जो जलना शुरू होता है और फिर एक वो पूरी अपनी आंच के साथ जलता है, तो वो जो अग्नि होती थी जिसको हम खाना पकाते हैं तीक्ष्ण अग्नि होती है, जिसमें चूल्हा एकदम भर भरा के जल रहा होता है, वो तीक्ष्ण अग्नि होती है, वो पित्त प्रकृति व्यक्ति की अग्नि होती है। ठीक है, अब आपने चूल्हा ठीक से नहीं जलाया तो कभी तो अग्नि बहुत तेज है और कभी बुझ जा रही है, फिर आप कुछ प्रयोजन कर रहे हैं तो फिर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, थोड़ी देर में फिर बुझ जा रही है, ये कौन होगा? ये बात प्रकृति व्यक्ति, इसको विषम अग्नि बोलते हैं। विषम मतलब कभी तो बहुत तीक्ष्ण है, कभी एकदम मंद हो जा रही है। पित्त प्रकृति की हमेशा तीक्ष्ण अग्नि होती है और कफ प्रकृति की कैसी होगी? मंद अग्नि। जब चूल्हा जल के पूरा हो चुका है, खाना सारा पक चुका है, हमने लकड़ियाँ बाहर निकाल दी हैं, अब हल्की हल्की सी जो गर्माहट है वो कफ प्रकृति व्यक्ति को होती है। इसलिए मंदाग्नि के रोग भी कफ प्रकृति व्यक्ति को ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उनके अगर आप नाखूनों को भी देखेंगे तो जो नेल्स रहते हैं उनके जो नाखून रहते हैं, बात प्रकृति, आप अपने अपने नाखूनों को देखिए सब लोग, आपके जब नाखूनों को आप देखेंगे तो आप किसी के नेल्स हो सकता है बहुत ड्राई हों, किसी के बहुत पिंकिश हों और किसी के हो सकता है कि बहुत शाइन करते हो, बहुत लश्चर हो, अपने अपने नेल्स को देखेंगे तो समझ में आएगा।
अगर आपके नेल्स ड्राई हैं तो आप समझ लेगी बात दो से, है ना। अगर आपकी हथेलियां बहुत पिंकिश रहती है, नेल्स बहुत पिंकिश है, तो आप समझ लीजिए पित्त दोष है। और वात प्रकृति व्यक्ति के नाखून भी बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं। पित्त प्रकृति के जो नाखून रहेंगे वो इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे, सॉफ्ट होते हैं, जल्दी टूटते नहीं है और स्निग्ध होते हैं।